ओके फ्रेंड्स, नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 4th. गिवन बिलो आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ वसुधा लिमिटेड एंड वैशाली लिमिटेड एज एट 31st March 2017. वसुधा एंड वैशाली इश्यूड शेयर कैपिटल आपको गिवन है दोनों की, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 540 और 4,03,300. जनरल रिजर्व गिवन है दोनों के लिए 86,000 और 54,990. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है 66,000 और 43,500 और ट्रेड पेबल्स गिवन है 44,400 और 58,200. फैक्ट्री बिल्डिंग गिवन है 2,10,000 और 1,60,000. ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है 266,900 और 172,900. इन्वेंट्रीज गिवन है आपको 91,500 और 82,500. गुडविल गिवन है आपको 50,000 और 35,000 और कैश एट बैंक गिवन है आपको 98,000 और 1,09,590 का. गुडविल ऑफ द कंपनी वसुधा लिमिटेड एंड वैशाली लिमिटेड इज टू बी वैल्यूड एट 75,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये गुडविल की वैल्यू बता दी. फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफ वसुधा लिमिटेड इज वर्थ 195 एंड वैशाली लिमिटेड इज 175. इन्वेंट्री ऑफ वैशाली लिमिटेड हैज टू बी शोन एट 10% अबव इट्स कॉस्ट. ठीक है, इट इज डिसाइडेड दैट वसुधा लिमिटेड विल एब्जॉर्ब वैशाली लिमिटेड. तो वसुधा लिमिटेड एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वसुधा लिमिटेड इज योर परचेजिंग कंपनी, वैशाली लिमिटेड इज योर सेलिंग कंपनी. टेकिंग ओवर इट्स एंटायर बिजनेस बाय इश्यू ऑफ शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू. तो जब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पर ही देना है तो पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, फिर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट किसके इक्वल होगा. तो वैशाली कंपनी टेक ओवर हुई तो वैशाली कंपनी के नेट एसेट्स का अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट होगा और शेयर का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वसुधा लिमिटेड का होगा. ये वाली बात ध्यान रखना. यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ वसुधा लिमिटेड आफ्टर पुटिंग थ्रू द स्कीम अज्यूमिंग दैट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वैशाली लिमिटेड वर इनकॉर्पोरेटेड इन वसुधा लिमिटेड एट फेयर वैल्यू एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ वसुधा लिमिटेड हैव बीन कैरीड एट कैरिंग वैल्यूज ओनली. वेरी गुड पॉइंट, इसको रिवैल्यूड फिगर पे मत ले लेना. किसको? वसुधा लिमिटेड को, उसको कैरिंग वैल्यू पर लेना है, मगर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम रिवैल्यूड फिगर पर लेना. देखो कितना बढ़िया प्रश्न, और कैरिड वैल्यू पर ही लेना है तो मतलब ध्यान रखना पड़ेगा अब हमको. मैं समझाऊंगा ना कैसे करेंगे. ठीक है, तो पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं साहब. तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते टाइम फैक्ट्री बिल्डिंग कितने कितने के लोगे, 195 और वैशाली की 175. ये समझ में आया, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे तो फैक्ट्री बिल्डिंग लिखा 195 और 175. उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, आई बिलीव ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई चेंज नहीं है, नहीं बताया ना. हाँ, तो वो एज इट इज लिख दो 266,900 और 172,900. उसके बाद जब इन्वेंट्री लिखोगे तो इन्वेंट्री ऑफ वैशाली हैज बीन शोन 10% अबव इट्स कॉस्ट. तो इसका मतलब वो 10% के अबव कॉस्ट से शो रखे, तो उसको कम कर दोगे. तो यानी 82,500 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 82,500 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 यानी 75,000 दिखाना है आपको वैशाली लिमिटेड का. और इसकी इन्वेंट्री 91,500 ही दिखेगी वसुधा की, तो कुछ बोला नहीं है तो. ठीक है, इन्वेंट्री हो गया. गुडविल दोनों की कितनी कितनी दिखानी है, तो गुडविल ऑफ द वसुधा और वैशाली 75,000 और 50,000 दिखा दोगे. ठीक है, और कैश एट बैंक एज इट इज दिखा दोगे. तो ये सारे एसेट्स हो गए एट रिवैल्यूड फिगर. अब इसमें से आप माइनस करोगे ट्रेड पेबल्स, उसके बारे में कोई बात चेंज था नहीं, तो ट्रेड पेबल्स को माइनस कर देना एज इट इज. तो आई बिलीव आपके पास नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स आ गया. अब इसमें आई बिलीव इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो इसमें से माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम डैश, तो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया. तो जितना भी वैशाली लिमिटेड का नेट एसेट्स आया है वही परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट बनेगा, और उनको डिवाइड कर दोगे आप, दोनों को डिवाइड कर दोगे आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो 54,000 और 40,330 से, तो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई दोनों की. फिर स्टेटमेंट शोइंग पीसी बनाओगे, तो स्टेटमेंट शोइंग पीसी तो जितना भी वैशाली लिमिटेड का टोटल नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आया था वही पीसी का अमाउंट होगा, और उस अमाउंट को डिवाइड कर दो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वसुधा से, तो आपको पता पड़ जाएगा किस रेट पर दे रहे हो आप. मगर 10 रुपए का शेयर है तो बचा हुआ अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी आ जाएगा.
चलो चेक करते हैं। तो लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन नंबर। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, सो सॉरी माय मिस्टेक था, कि क्वेश्चन जब भी हम करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमेशा ये लिखना जरूरी है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। जैसे हम याद है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लिखते थे आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, वैसे हमें यहां लिखना जरूरी है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो अब हम ये आ गए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर साहब, ठीक है। चलो अब हम ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या गिवन है अब हमें। यस लेट अस रीड दिस। तो देखो इंट्रिंसिक वैल्यू बनाया, फैक्ट्री बिल्डिंग 195, 175, ट्रेड रिसीवेबल बुक वैल्यू पर ही लिया, और इन्वेंट्रीज को देखो इसका 91,500 मगर 82,500 डिवाइड बाय 110 इनटू 100 करके उसका वैल्यू सही करा। फिर गुडविल जितना बताया उतना लिया, कैश एट बैंक लिया और उसमें से ट्रेड पेबल्स को माइनस करा, नेट एसेट्स आ गया। इसका मतलब 5,24,290 रुपीज हमें परचेस कंसीडरेशन देना है। किस रेट पर? तो इसको डिवाइड कर दिया 54,000 से ना, तो 13 रुपीज की रेट पर। तो 5,24,290 डिवाइड बाय 13 करा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता पड़े, इंटू 10 करा तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट, इंटू 3 करा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट निकाल दिया। शेयर होल्डर पीसी फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ वैशाली लिमिटेड इज 5,24,290 एंड गिवन बाय वसुधा लिमिटेड एट रुपीज, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वसुधा ही लेते हैं ना 13 रुपीज पर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके तो 40,330 ही दे रहे हो आप, तो 40,330 इंटू 10 4,03,300 आ गया, और प्रीमियम 1,20,990 का दे रहे हो। चलो बात समझ में आ गई है, एकदम क्लियर है। हाँ अब हम आते हैं जब हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो साहब बैलेंस शीट बनाते टाइम अब आपको क्या बात बोली है? बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ये बोली है कि आर इनकॉर्पोरेटेड वसुधा एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब जो रिवैल्यूड फिगर आपने करा, और एसेट लाइबिलिटी ऑफ वसुधा लिमिटेड हैव बीन कैरीड ओवर एट कैरिंग वैल्यू। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब शेयर कैपिटल लिखोगे तो 5,40,000 प्लस ये जो 4,03,300 वही कर देना, क्योंकि वो आपने निकाल के देखा ना अभी, तो उतने ही शेयर आ रहे थे, तो वो दोनों ऐड कर दोगे आप एज इट इज, उतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल तो आ गया। फिर जब जनरल रिजर्व बताओगे तो 86,000, तो इसका बताओगे प्लस, हाँ बस यही, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से बता देना वो 120 जो भी अभी आपने कैलकुलेट करा था वही वाला। समझ में आ रहा है ना सबको ये? हाँ तो जनरल रिजर्व ये बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस ये बता दिया 66,000 का ही, और साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बता दिया, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया। उसके बाद यहां पर नॉन करंट लाइबिलिटीज कुछ आएगी नहीं, और करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स में इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देना, तो वो आपके टोटल ट्रेड पेबल्स भी हो जाएंगे। ये भी समझ में आ गया? तो ये पूरा आपका लाइबिलिटी साइड हो गया। कर लो, चेक करवा देते हैं, आ जाओ आप इसमें, ये करा था ना देखो बुक्स ऑफ वसुधा लिमिटेड में, शेयर कैपिटल में दोनों को ऐड कर आया, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लाइबिलिटीज आ गया। नोट देख लेते हैं, नोट नंबर वन, ये देखो आपके सामने नोट नंबर वन, शेयर कैपिटल में दोनों की शेयर्स को ऐड करके आया और आउट ऑफ द अबव बता दिया, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट सिर्फ उसका लिया और सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लिया, और ट्रेड पेबल्स में दोनों को ऐड कर दिया क्रेडिटर्स को। यहां तक क्लियर? अब हम जब एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स में हमारे पास आता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो जब अब आप इसमें करोगे तो यहां पर फैक्ट्री बिल्डिंग लेना 210,000 प्लस 210,000 प्लस 1,75,000, तो 210 प्लस 1,75,000 ये आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू आएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू इन दोनों को ऐड करके आएगी क्योंकि वो तो बुक वैल्यू पर ही लेना है। इन्वेंट्रीज की वैल्यू 91,500 प्लस 75,000 करके आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद गुडविल की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, 50,000 प्लस आपने उसकी गुडविल की वैल्यू कितनी ली थी 50,000, तो 1,00,000 का गुडविल आना चाहिए। देखो मैं आपको चेक करवा रहा हूं, है ना, टेंजिबल और करंट एसेट्स लिखा ना, अब आप इसके नोट्स पर आओ। नोट नंबर फोर, फिक्स एसेट्स जब लिया तो फैक्ट्री बिल्डिंग 210 प्लस 1,75,000, समझ गए? हाँ। उसके बाद करंट एसेट्स जब लिया तो देखो ट्रेड रिसीवेबल्स में तो दोनों को ऐड कर दिया, फिर इन्वेंट्री जब लिया तो 91 और वो दोनों को ऐड कर दिया, गुडविल जब लिया तो उसमें 50,000 ले लिया, और फिर कैश और बैंक में तो हम एज इट इज को ऐड कर देंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा, करंट एसेट्स भी सारे हो गए क्योंकि, तो आई बिलीव ये हो गया टोटल आपका, तो आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 4। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, तो दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।